नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छात्रों को झांसे में लेकर शासन द्वारा स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त प्रवेश लेकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संस्थापक गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अभिषेक यादव के 1,05,07,422 रुपए की अवैध संपत्ति को गोरखपुर पुलिस ने किया कुर्क। SSP ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से महसूस किए गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई शहरों में भूकंप के तेज झटके। पड़ोसी नेपाल देश में दीपालिया जिला रहा भूकंप का केंद्र। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, जनपद में भी महसूस किया गया हल्का भूकंप का झटका। कहीं पर किसी भी प्रकार की नहीं प्राप्त हुई जनधन हानि और क्षति की सूचना। जालसाजी के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों आलोक रंजन पांडे व सदानंद पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 दिवसीय मिशन 75वें अभियान के तहत 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान मंडल स्तरीय पशु मैत्री का अभिविन्यास प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्षता में प्रशिक्षण साकुशल हुआ संपन्न। ने कहा, 100 दिन में करवाया जाएगा 74 लाख गर्भाधान। यातायात माह 2022 के अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 350 DLED प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। सभी प्रशिक्षुओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए RTO अनीता सिंह ने दिलाई शपथ। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, DLED प्रशिक्षुओं को सड़क सुरक्षा के नियमों की दी गई जानकारी। और 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दक्षिण पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मध्य होने वाले विजेता के बीच होगा फाइनल मुकाबला। 10 नवंबर को 4:30 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन करेंगे पुरस्कार वितरण। पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर पुलिस ने राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संस्थापक गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अभिषेक यादव का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न मेडिकल कोर्स में छात्र व छात्राओं को झांसे में लेकर उनका भविष्य बर्बाद कर अपराध के पैसे से बनाई गई 1,03,05,07,422 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि गैंग लीडर अभिषेक यादव पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर राजा राम यादव निवासी राज नर्सिंग होम दुर्गाबाड़ी रोड थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर में अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा था, जो कि जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा विभिन्न साथियों के साथ मिलकर वादनी पुष्पा चौधरी जनपद बस्ती व अन्य छात्रों को अपने राज नर्सिंग होम पैरामेडिकल कॉलेज जंगल अहमद अली तुर्रा बाजार थाना पिपराई जनपद गोरखपुर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए फर्जी कूटरचित तरीके से विज्ञापन निकालकर क्षमता से अधिक सीटों पर नामांकन लेकर परीक्षा में सम्मिलित कराना व परीक्षा परिणाम घोषित न करना, पूछने पर गाली गलौज देकर जान माल की धमकी देना, जिससे पैरामेडिकल नर्सिंग होम के छात्रों का भविष्य खराब हो जाना, जिससे छात्रों का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गिरोह द्वारा आपराधिक कृत्य करते हुए एक सोची समझी साजिश के तहत गलत तरीके से बिना अनुमति के छात्रों का नामांकन पत्र भरकर फर्जी तरीके से पठन पाठन कार्य कराकर अवैध धन अर्जित किया गया, उसका दुरुपयोग करते हुए अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध कार्य किया गया, जिसको देखते हुए जनपद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के जटेपुर उत्तरी आवास जंगल नकहा नंबर 2 राज गौशाला हुमायूंपुर स्थित राज नर्सिंग होम एवं हॉस्टल आवास
जंगल अहमद शाह अली तुर्रा राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज की 1,03,05,07,422 रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। उन्होंने कहा आगे भी अगर कहीं इस तरह की संपत्ति होगी तो कुर्क किया जाएगा, जिसकी जानकारी की जा रही है। इस अवसर पर सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य, वरिष्ठ उप निरीक्षक अरविंद कुमार राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, एसपीओ साहब का काट रहे हो, तुम देख रहे हैं। जनपद गोरखपुर में शासन द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है, जिसमें किसी भी प्रकार का माफिया जो कि आम पब्लिक से पैसा ऐड करके क्राइम के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी अर्जित करता है या धन की उगाही करता है, उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में विगत 8 सालों में डॉक्टर अभिषेक यादव नाम के एक व्यक्ति, जो कि अपने सहयोगियों के साथ जिनके द्वारा एक पूरा शिक्षा और मेडिकल माफिया के रूप में यहां अपना तंत्र खड़ा किया गया, हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनसे मोटी रकम वसूली गई। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, उनकी कूट रचना की गई। इन संबंध में जब शासन प्रशासन को जानकारी हुई तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसी वर्ष इनके और इनके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इनको रिमांड पर लिया गया। साथ ही साथ जो लोग जेल से बाहर से, उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सभी संपत्तियों का ब्यौरा एक टीम के माध्यम से, जिसमें कि स्थानीय पुलिस, राजस्व के अधिकारी, हमारे अभियोजन के अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा एक टीम के रूप में काम करते हुए इन सभी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार इनके द्वारा अर्जित की गई ऐसी भूमि, उनके ऊपर बने हुए भवन, बैंक के खातों में इनकी जमा रकम और साथ ही साथ जो वाहन इनके द्वारा इस क्राइम के माध्यम से अर्जित किए गए थे, उनका डिटेल 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया, जिसके तहत विगत 1 हफ्ते में इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की धारा के तहत इनको स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुर्क किया गया है। इसकी पूरी डिटेल इस प्रेस नोट में दी गई है। इनके ऊपर कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं और प्रॉपर्टीज़ का अगर विवरण लिया जाए तो ऐसी 4 प्रॉपर्टीज़ जिसकी की कीमत 81,11,17,000 रुपये आंकी गई, इनके ऊपर जो बने हुए भवन हैं उनकी कीमत 18,09,95,000 से भी ज़्यादा आंकी गई। इसके साथ साथ जो इनके वाहन सीज हुए हैं उसमें या जब्त हुए हैं उनकी कीमत 32,40,000 आंकी गई है, और जो इनके बैंक खातों में पड़ा हुआ कैश है या जमा कैश है उसकी कीमत 3,51,54,000 से भी ज़्यादा की आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ की कुल कीमत 103,05,07,422 रुपए आंकी गई है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को विधि अनुसार, नियमानुसार कुर्क किया गया है और आगे चल के भी इनके द्वारा यदि अर्जित की हुई प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होती है तो इसी क्रम में उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये अभियान आपराधिक माफियाओं के साथ साथ
ऐसे माफिया जो धोखाधड़ी करके, जालसाजी करके आम जनता का पैसा ऐंठते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनके ऊपर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आगे चल के भी ऐसे अपराधियों के ऊपर गोरखपुर पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये 103 करोड़ से भी ऊपर की जो प्रॉपर्टी का कुर्की हुई है, ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और मुझे पूरी आशा है कि अपराधियों के मन में इस कार्रवाई के बाद एक भय व्याप्त होगा और लोग अपराध के रास्ते पर जाने से परहेज करें। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 12 नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछली बार प्रदेश नंबर 1 पर था। जिन मामलों का निस्तारण तारीखों में नहीं हो पाता है, उस मामले का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। इसका विशेष रूप से गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता को समय से न्याय मिले यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसमें पिछली बार कुछ जनपदों की स्थिति ठीक नहीं थी, जिसको सभी अधिकारी गंभीरतापूर्वक लें और इस लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निस्तारण करें। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर, सीडीओ संजय कुमार मीना, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसलिए आज मुझे ये रखना पड़ा, क्योंकि आज भी शाम को पत्र नहीं था और इसलिए इसमें रखना पड़ा। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो भी तो आज सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कुछ लोक अदालत के बारे में तो इसके बारे में स्टार्ट फ्रॉम हियर और उसके बाद हम एक करके अंत में निर्णय लेते हैं। तो आपको आज की इस बीसी में सचिव महोदय का और अन्य सभी अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। हमारा विषय जो है गृहभाग संबंधित विषय है, वो बहुत संक्षिप्त है। आप सभी लोग अवगत है कि आगामी 12 नवंबर को एक जो चौथी लोक अदालत प्रस्तावित है और आपको मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो इससे पूर्व के जो भी वर्जन हुए हैं लोक अदालत के, तो उसमें हम पूरे देश में हम नंबर 1 रहे हैं। तो इस अच्छी उपलब्धि के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। डीएम है, एसपी है, एसएसपी है और जो प्रोसिक्यूशन और जो हमारे डीजी सी वगैरह है, वो सब लोग के प्रयास की वजह से ये संभव हो पाया है। सर, हम लोगों ने 22 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें हमारे पास सस्पेंशन, हम लोगों ने 22 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है जिसमें बड़े डिस्ट्रिक्ट 3 है और छोटे डिस्ट्रिक्ट 2 है। बड़े डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी है, गौतमबुद्ध नगर है, लखनऊ है, झांसी है। यहाँ पे हम लोगों का जैसे लखनऊ का देखा जाए तो 75,000 एक्सपोजर है, वही गोरखपुर देखा जाए तो 3,90,000 एक्सपोजर है। लखनऊ और 22 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, इटावा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, बलिया, गोंडा, सुल्तानपुर, हरदोई, कुशीनगर, कौशाम्बी, बागपत, सीतापुर के हिसाब से। इसके अलावा हम लोगों का लघु अपराध के बाद वापस लेने के लिए भी पीछे शासन की तरफ से भी लेटर इशू हुआ है और अलग हाईकोर्ट की तरफ से भी हुआ है। 200 और 321 में जो एप्लीकेशन है, सभी डीएम साहब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 321 की पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह के जो 188 वाले वार्ड हैं और जो जिन भी वार्डों के बारे में शासन ने निर्देश जारी किया है करने के लिए, इतना गैप क्या है और आपने अगले जो है जो नेक्स्ट लोक अदालत होती है क्या तैयारी होगी? सर, विकास विभाग से और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ये तय कर लिया है कि जितने हमारी सर पेंडेंसी है उसको क्लियर कर ली जाएगी सर समय अंदर। सर,
अगर ये भी हम सारे करने के लिए तो मुझे मेरी स्टेटमेंट को मैं एक और किसी से याद रखना चाहता हूँ जब मुझे मुरादाबाद डील का बताइए मुरादाबाद। पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मंगलवार को रात 8:52 पहला भूकंप आया जिसकी तीव्रता 4.9 रही। दूसरा झटका देर रात 1:57 पर आया जिसकी तीव्रता 5.6 रही। यह झटके गोरखपुर सहित कानपुर, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद कई जिलों में महसूस किए गए, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि पड़ोसी नेपाल देश में दीपालिया एक जिला है जहां पर दो राउंड भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका 8:15 पर जिसकी तीव्रता 4.8 का पैमाना रहा और दूसरा झटका 1:57 पर आया उसका तीव्रता 5.6 रहा। यह झटका अपने जनपद में भी हल्का महसूस किया गया। कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे, उनके द्वारा पुष्टि किया गया कि हल्का भूकंप का झटका आया था। उन्होंने बताया कि भूकंप का क्षेत्र अपने जनपद से काफी दूर होने की वजह से इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया। गोरखपुर जनपद भूकंप के लिए संवेदनशील है, इसलिए यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि कुछ दिनों में भूकंप के झटके महसूस होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे जनपद में कहीं पर भी किसी से भी जनहानि और क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर भूकंप आता है तो उससे बचने के लिए खुले स्थानों या किसी बड़े बिल्डिंग के कोने में जा सकते हैं जिससे कि कोई भारी सामान आपके ऊपर ना गिरे। अगर भूकंप आता है तो बिल्कुल ना घबराएं बल्कि दिमाग से बचने का उपाय करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा USGS, ठीक है? आप जब USGS जो है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, इसके आप साइट पे जाएंगे तो आपको इस पे लेटेस्ट अर्थक्वेक्स की ये सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। इस पे आप जैसे चेक करेंगे ये ठीक है, अभी देखिए अभी जैसे इन्होंने ये सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं कि विश्व में कहां कहां पर भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है 5.6 ये नेपाल वाला जो रात्रि काल आया था, ये इस पर आप अगर आप देखेंगे तो ये 5.6 का था और ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैप पर ये शो कर देगा कि किस क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र में ये भूकंप का झटका आया। अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका केंद्र बिंदु ये पॉइंट था और यहाँ से आपका जो ये बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इससे काफ़ी नज़दीक थे, ठीक है। रामपुर ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके नज़दीक थे तो ये इस रीजन के भी पे ज़्यादा झटके महसूस हुए होंगे इन कंपेरिजन टू गोरखपुर। तो USGS जो साइट है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, इसकी साइट पे आप जा करके जो भी अर्थक्वेक्स के संबंध में जो भी सूचना है, क्योंकि बहुत से भ्रामक चीज़ें भी चलती हैं कि इस रेक्टर स्केल का आया ये भी, लेकिन इस पर आपको लेटेस्ट अपडेट सूचना ये विद इन 10-15 मिनट्स ये अपडेट कर देते हैं, इस पर सूचनाएँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। देखिए एक्चुअली दीपालिया मतलब एक नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिससे करीबन 22-23 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके आए थे, जिससे दो राउंड भूकंप के वहाँ पे झटके आए। एक तो कल रात में करीबन 8:52 पे था जो कि रिक्टर स्केल पे 4.8 उसका पैमाना रहा, लेकिन दूसरा झटका जो कल रात में तकरीबन 1:57 पे आया उसका जो रिक्टर स्केल पे था वो 5.6 था। तो जो ये रात में जो आया तो ये हल्की सी कंपन सी महसूस हुई है, क्योंकि रात में कई लोगों ने द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई, कई विद्यार्थियों जो रात में पढ़ रहे थे उन लोग द्वारा भी कॉल आया कि सर अभी इस तरह का एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ है। और तो उसके आधार पे ये है कि हाँ बहुत हल्का सा लाइट सा था क्योंकि काफ़ी दूर है गोरखपुर से उसका रीजन जो है, और चूँकि 5.6 रेक्टर स्केल का भूकंप था तो इसलिए कहीं बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में इस क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन चूंकि गोरखपुर सेस्मिक जोन 4 के अंतर्गत है, भूकंप के दृष्टिगत अति संवेदनशील जनपद है, इसलिए यहाँ पे इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि आगामी
वर्षों में भी या कुछ दिनों में जब भी ऐसा हुआ है तो भूकंप के झटके यहाँ महसूस हो गए। नहीं, ऐसी कहीं कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है और बहुत स्लाइड सा था यहाँ पर, तो कहीं ऐसी कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई क्षति की कोई सूचना नहीं है। अगर भूकंप आती है तो भूकंप से बचने के लोगों से क्या पूछना? देखिए, अगर सर्वप्रथम कोशिश यही करें कि खुले और क्षेत्रों में आप चले जाएं। खुले क्षेत्रों में चले जाएंगे तो आप बच सकते हैं। यदि अगर आप कहीं घर में हैं, अंदर हैं, उस दिशा में अगर जो कोने का जो पॉइंट होता है, दीवार का जो कोना होता है, वो सुरक्षित माना जाता है, वहाँ पर आप अपने आप को शरण ले सकते हैं या किसी टेबल के नीचे आप जा करके अपने आप को शरण ले सकते हैं, जिससे कि कोई डायरेक्ट जो भी चीज़ें हैं वो आपके ऊपर ना गिरे। और इस तरीके से आप ड्रॉप कवर होल्ड, जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी आप अगर कोशिश करेंगे तो वो उससे आप बच सकते हैं। कैंट थाने की पुलिस ने जालसाजी के अभियोग में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आलोक रंजन पांडे पुत्र लाल साहब निवासी ग्राम लहसणी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा सदानंद पांडे पुत्र शिवपूजन पांडे निवासी ग्राम कोनी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 2014 में थाना क्षेत्र कैंट में वर्धमान समर्ग बैंक नाम से फर्जी कंपनी खोलकर लोगों को प्रलोभन देकर पैसा जमा कराया गया था एवं पुनः कंपनी बंद कर फरार हो गया। इसी कारण उपभोक्ताओं द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें पूर्व में 8 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं तथा 2 अभियुक्त फरार थे जिनकी तलाश की जा रही थी, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक अमित चौधरी, कांस्टेबल विजय शुक्ला, दीपक निषाद, विकास यादव, विनय सिंह, अखिलेश कुमार शामिल रहे। ले लीजिए, मैं भी एक मजरी हूँ। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छात्रों को झांसे में लेकर शासन द्वारा स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त प्रवेश लेकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संस्थापक गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अभिषेक यादव के 1,03,05,7,422 रुपए की अवैध संपत्ति को गोरखपुर पुलिस ने किया कुर्क। SSP ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से महसूस किए गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई शहरों में भूकंप के तेज झटके। पड़ोसी नेपाल देश में दीपालिया जिला रहा भूकंप का केंद्र। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, जनपद में भी महसूस किया गया हल्का भूकंप का झटका। कहीं पर किसी भी प्रकार की नहीं प्राप्त हुई जनधन हानि और क्षति की सूचना। जालसाजी के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों आलोक रंजन पांडे व सदानंद पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 दिवसीय मिशन 75वें अभियान के तहत 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान मंडल स्तरीय पशु मैत्री का अभिविन्यास प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्षता में प्रशिक्षण साकुशल हुआ संपन्न। कहा, 100 दिन में करवाया जाएगा 74 लाख गर्भाधान। यातायात माह 2022 के अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 350 DLED प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। सभी प्रशिक्षुओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए RTO अनीता सिंह ने दिलाई शपथ। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, DLED प्रशिक्षुओं को सड़क सुरक्षा के नियमों की दी गई जानकारी।
और 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दक्षिण पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मध्य होने वाले विजेता के बीच होगा फाइनल मुकाबला। 10 नवंबर को 4:30 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन करेंगे पुरस्कार वितरण। पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 दिवसीय मिशन 75वें अभियान के तहत 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान मंडल स्तरीय पशु मैत्री का अभिविन्यास प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रशिक्षण एनएक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि 15 नवंबर 2022 से अभियान के रूप में कृत्रिम गर्भाधान के निःशुल्क कार्यक्रम को 100% सफल बनाना है, जिसको देखते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंडल को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के मानक संचालन प्रक्रिया को अधिकृत करते हुए मंडल को आवंटित लक्ष्य को पूरा किया जाना है। इसके माध्यम से पशुपालकों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए भारत सरकार भी योजना चला रही है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 100 दिनों में 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना है, जो कि कठिन लक्ष्य है जिसको सभी अधिकारियों को मिलजुल कर पूरा करना है। इसमें पशु से संबंधित जो मैत्री व्यक्ति है उनका भी सहयोग लिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह सहित मंडल के सभी पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा, बताया जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आपकी व्यक्तिगत समस्याओं फील्ड में आ रहे दिक्कत कपूर इसके आगे आजादी का अमृत महोत्सव कैसे है इसके इतिहास मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया है।
जो अपना काम है वो 15 नवंबर से शुरू होगा और 100 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा टारगेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय अभी पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में सब ग्राउंड लेवल पे जो लोग कार्य करते हैं वो आप हैं, पैरामेट और मैत्री। प्रदेश में उन्नत प्रजाति के अति विकृत वीर स्ट्रास से कृत्रिम गर्भाधान की सेवा पशुपालकों के द्वार पर निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के लिए भारत सरकार की योजना राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी 100 दिनों में 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना है। यह एक कठिन लक्ष्य है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां विभाग के विभिन्न अधिकारियों पदों पर आश्रित विभिन्न पशु चिकित्साविदों के साथ साथ हमें जो हमारे पैरावेट्स हैं, मैत्री हैं, जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, स्वरोजगार के व्यक्ति हैं, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। अतः आज वो समय है कि जब हम इन स्वरोजगारी पैरावेट्स मैत्री को के साथ वार्तालाप करें, संवाद करें और इनकी कठिनाइयों को भी जानें, और इनकी कठिनाइयां अगर कोई हैं क्षेत्र में तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास आज की ही इस मीटिंग में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक एक पशुपालक के द्वार पर जहां पर उसके पास गाय है, भैंस है, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, कोई भी पैसा पशुपालक को नहीं दिया जाना है। और हमारे ACS महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम के प्रति बहुत आशान्वित हैं कि प्रदेश में आगामी 100 दिनों में हम 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान करके अपने इस प्रदेश का नाम पूरे देश में अग्रणी करेंगे। हमारे पास गोरखपुर क्षेत्र में टोटल जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर 360 के नज़दीक हमारे पैरावेट्स हैं, परंतु क्या होता है कि स्वरोजगारी के रूप में कुछ लोग ट्रेनिंग तो ले लेते हैं परंतु वो जुड़ते नहीं हैं। आज उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों ने उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया है और उनको आज यहाँ पर आमंत्रित किया है कि आप आएँ, आपसे हम वार्ता करेंगे और अपनी मुख्य धारा में आपको जोड़ेंगे। मंडल में दर कितना है? 360। यातायात माह 2022 के अंतर्गत यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा नारमल स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यातायात जागरूकता के संबंध में DLED के 350 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी प्रशिक्षुओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ भी दिलाया गया। आपको बता दें कि RTO अनिता सिंह ने प्रशिक्षुओं को लाइसेंस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन के संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी तथा यातायात एवं इसमें आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए मैपल ऐप के बारे में भी बताया गया। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जनपद में यातायात पुलिस यातायात माह मना रही है, इसी को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर में भावी टीचर ट्रेनिंग करते हैं तो उन सभी को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को मैपल ऐप के बारे में विस्तार से सभी जानकारी दी गई। सभी से अनुरोध किया गया कि जो भी जागरूकता की जानकारी दी गई है अपने घर, पड़ोस, मोहल्ला और विद्यालयों में सूचना को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग रोड सेफ्टी फॉर ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानें। उन्होंने बताया कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था एक्सपीरियंस और सेफ्टी के लिए मैपल ऐप का प्रयोग करें। इस अवसर पर RTO अनिता सिंह, डायट के प्राचार्य जयप्रकाश, यातायात निरीक्षक अजीत कुमार पांडे, राम वृक्ष, शिखा सिंह, कल्पना, प्रेमचंद्र, वेद प्रकाश सिंह सहित शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, डायनेमिक सर्च आप कोई भी लोकेशन डालेंगे उसका वो रिलेटेड जो भी मंदिर डाल दिया फॉर एग्जांपल तो ऑटो करेक्ट होकर गोरखनाथ मंदिर ही आ जाएगा। आपको बताया था जब भी आप नेविगेट करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा कि टोल को ऑटोमेटिक को पिक कर लेगा, नीचे आपके एक ऑप्शन आएगा ट्रिप्स का, जैसे मैं कोई भी लोकेशन का एक ये बहुत पॉइंट पे हम अपना भी वर्किंग कर रहे हैं रियल में। रियल में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि वहां का एक्चुअल में आप जो वर्ड को मैप्स को इस पे 360 व्यू पे क्लिक करना है, आपको आ रहा है किसी में?
360 पे क्लिक करना है और आप उसको जूम आउट करेंगे एक बार। होम स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे टॉप में दिख रहा होगा 360। आप एक बार स्क्रीन देख लीजिए, अभी आपके उसमें नहीं दिख रहा है। तो कि हम हर वीक अपडेट करते हैं, आपने किसी भी ग्रुप पे किया वो एरिया बेसिकली 360 में दिखता कैसा है वो आपको लाइव दिखेगा। ये अभी किसी ने देखा इसको, थोड़ा सा जूम आउट करना होगा मैम, तो ब्लू कलर का फंक्शन आता है। मैसेंजर आप हमारा संदेश आपके माध्यम से आप जिस विद्यालय में कल जाएंगे परसों जाएंगे जहाँ भी जाएंगे हमारा संदेश सब जगह पहुँचेगा, पूरे जनपद गोरखपुर में पहुँचेगा, आसपास पहुँचेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। इसलिए हमने सोचा कि प्रोग्राम के लिए यहाँ पे होस्ट किया जाए, इससे कवरेज अच्छा रहेगा। रही बात ट्रैफिक रूल्स बताने की, तो बताने के लिए मेरे लिए कुछ इसलिए नहीं बचा क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने हर टॉपिक पे सब कुछ बता दिया है। मैं एक बार कुछ बेसिक्स रिकैपिटुलेट करता हूँ, अगर मेरे मतलब का कोई पॉइंट निकलता है तो चलाते जाइए जल्दी। देखिए यातायात जागरूकता का मेन पर्पज ये है कि सड़क पे आने वाली दुर्घटनाओं में कमी करना, और आप अगर यातायात का वॉल्यूम देखें तो दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। होते हैं मेजर मेजॉरिटी जो है टू व्हीलर वालों की होती है, 50% से ज़्यादा हमेशा इंजर्ड टू व्हीलर वाले होते हैं। किसी कोई मास एक्सीडेंट हो जाए तो अलग बात है कि बस में या ट्रेन में कहीं दुर्घटनाएँ हो गई, अदरवाइज टू व्हीलर इसके शिकार होते हैं। और सबसे ज़्यादा शिकार इसके होते हैं यंगस्टर्स, अंडर 25 सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। अंडर 25 में देश का नौजवान आता है क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो उस ऊर्जा के लिए पॉजिटिव जगह लगाया जाए ना, उसके लिए हमको एक हारबिंजर बनना चाहिए, रोल मॉडल बनना चाहिए हमको कि अपने समाज में पड़ोस में विद्यालय में जैसे आप लोगों तो कुछ अच्छा सीखें। गाड़ी का एक्सीलरेटर के लिए दबाने की बजाय कुछ नया ऐसा करें जिससे कि समाज को एक संदेश जाए। टू व्हीलर के लिए ये 70 किलोमीटर अलग अलग रोड पर है, मोहनपुर से पैडलगंज की 60 किलोमीटर है, जितनी करिए 60 किलोमीटर है टू व्हीलर्स के लिए और 70 है फोर व्हीलर के लिए। ये स्पीड लिमिट दो रोड पे हमने डिसाइड की है, मोहनपुर से पैडलगंज और पैडलगंज से नौकाया, दोनों पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरे की लाइव फीडिंग हमारे लिए ITMS में मिलती रहती है, ITMS के टॉपिक पर अलग से भी बताएंगे, ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ के पार्किंग प्लेसेस हैं, पार्किंग प्लेसेस आपको मैपल्स पे मिल जाएंगे, मैपल पे एक पार्किंग प्लेस अभी अपलोडेड है और बाकी और अपलोड हो जाएंगे शाम तक। पूर्ण प्रयास करेंगे दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय बात नहीं करेंगे, ना कोई मैसेज देखेंगे और ना भेजेंगे, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और परिजनों से पालन करवाएंगे। हम कभी भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए हमेशा मदद हेतु तैयार रहेंगे। जय हिंद जय भारत। यातायात महा में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान जो गोरखपुर पुलिस पूरे जनपद में मना रही है, इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर जहां पर भावी टीचर्स सारे ट्रेनिंग ले रहे हैं,
तो उन सभी के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस द्वारा, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट सुमित मिश्रा द्वारा, और लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन संबंधी क्या नियम है उसके बारे में RTO गोरखपुर मंडल श्रीमती अनीता सिंह द्वारा, और मैपल्स की टीम अंकित उपाध्याय जी के द्वारा मैपल्स ऐप के बारे में विस्तार से सभी को जानकारी दी गई, और सभी से अनुरोध किया गया कि जो आपके लिए जागरूकता की जानकारी दी गई है इस सबको अपने पास पड़ोस में, अपने बच्चों में और विद्यालय में सभी को इस सूचना को डिसेमिनेट करें ताकि अधिक से अधिक लोग रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानें और मैपल्स ऐप का यूज करें बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, बेहतर एक्सपीरियंस के लिए, बेहतर सेफ्टी के लिए और सभी के लिए बाद में यातायात जागरूकता की शपथ दिलाई गई। थैंक यू। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 4 से 10 नवंबर तक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के 6वें दिन खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे को 19-25, 25-17, 25-20, 25-15 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आज खेला गया पहला सेमीफाइनल मैच काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जिसमें दक्षिण मध्य रेलवे ने पहले सेट को 25-19 अंकों से जीतकर बढ़त बनाई। पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने दूसरे, तीसरे एवं चौथे सेट में दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण मध्य रेलवे 25-17, 25-20, 25-15 से परास्त करते हुए अंतिम तीनों सेट अपने पक्ष में कर लिया और फाइनल में प्रवेश किया। दक्षिण पश्चिम रेलवे के सुधीर के शानदार स्मैश तथा अस्वल के तेज अटैक ने टीम को फाइनल मुकाबले में पहुंचाने में सराहनीय योगदान दिया। देर साय दूसरा सेमीफाइनल मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मध्य खेला जा रहा था। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि डिप्टी CBO ट्रैफिक JP सिंह ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन 10 नवंबर को साय 4 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा तथा पुरस्कार वितरण पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा। Open!
मैं चंद्र विजय सिंह यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक क्रीड़ा अधिकारी हूँ। वॉलीबॉल चैंपियनशिप चूँकि पूर्वांचल में और एनी रेलवे में वॉलीबॉल की काफ़ी अच्छी टीमें हैं, काफ़ी लोकप्रिय खेल है वॉलीबॉल इस एरिए का, क्योंकि पीछे लगभग 2012 में जहाँ तक मेरी जानकारी 2012 में यहाँ इंटर रेलवे चैंपियनशिप हुई थी और इसको कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो लोकल खिलाड़ी जो वॉलीबॉल में रुचि रखते हैं, तो जो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं, इनके खेल को देख करके उनसे मोटिवेट हों और आगे वॉलीबॉल में अपना करियर बनाएं और इससे प्रेरणा लें। इसमें 19 टीमें भाग ली हैं, पूरे ऑल इंडिया रेलवे से 19 जोनों की टीमें इसमें आई हुई हैं और क्वालिटी वाइज जो भी देश के अच्छे खिलाड़ी हैं, टॉप के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी इसमें खेल रहे हैं, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं और जो भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी राष्ट्रीय मेडल भी जीता हैं, तो सारे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनाम राशि नहीं रखी है? नहीं, इसमें इनाम राशि नहीं होती है, चूँकि अभी विभागीय टूर्नामेंट है। मेन इसका अभी जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे खिलाड़ी, चूँकि रेलवे बोर्ड ने 4 सेलेक्टर भी नामित किए हुए हैं जो लोग सबके गेम को देख रहे हैं बहुत बारीकी से, और जो खिलाड़ी यहाँ पे चयनित होंगे उनका इंडियन रेलवे का कैंप आयोजित होगा और वहाँ जो लड़के सेलेक्ट होंगे वो भारतीय रेलवे की तरफ से नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगे। कल 10 तारीख को इसका फाइनल है, आज 2 मैच खेले जाएंगे सेमीफाइनल के, जो टीमें विजेता होंगी कल उनका फाइनल खेला जाएगा। अभी SCR का और SWR का भी सेमीफाइनल है और दूसरा सेमीफाइनल होगा NER का और NFR का दूसरा सेमीफाइनल। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर छात्रों को झांसे में लेकर शासन द्वारा स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त प्रवेश लेकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संस्थापक गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अभिषेक यादव के 1,03,05,07,422 रुपए की अवैध संपत्ति को गोरखपुर पुलिस ने किया कुर्क, SSP ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नवंबर को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप से महसूस किए गए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई शहरों में भूकंप के तेज झटके। पड़ोसी नेपाल देश में दीपालिया जिला रहा भूकंप का केंद्र, आपदा विशेषज्ञ ने कहा जनपद में भी महसूस किया गया हल्का भूकंप का झटका, कहीं पर किसी भी प्रकार की नहीं प्राप्त हुई जनधन हानि और क्षति की सूचना। जालसाजी के आरोप में वांछित 2 अभियुक्तों आलोक रंजन पांडे व सदानंद पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 100 दिवसीय मिशन 75वें अभियान के तहत 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान मंडल स्तरीय पशु मैत्री का अभिविन्यास प्रदेश के पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्षता में प्रशिक्षण साकुशल हुआ संपन्न, कहा 100 दिन में करवाया जाएगा 74 लाख गर्भाधान। यातायात माह 2022 के अंतर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 350 DLED प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन, सभी प्रशिक्षुओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए RTO अनीता सिंह ने दिलाई शपथ, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा DLED प्रशिक्षुओं को सड़क सुरक्षा के नियमों की दी गई जानकारी। और 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दक्षिण पश्चिम रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मध्य होने वाले विजेता के बीच होगा फाइनल मुकाबला। 10 नवंबर को 4:30 बजे खेला जाएगा फाइनल मैच। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन करेंगे पुरस्कार वितरण, पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।